इस भारतवर्ष में भगवान के जो जितने भी अवतार हुए हैं इसी भारतवर्ष में हुए हैं, लेकिन भगवान के भक्त भी बहुत हुआ करते हैं और हैं आज भी। लेकिन बात यह है कि जिस राष्ट्र में रह रहे हो, जिस राष्ट्र में निवास कर रहे हो, जिस राष्ट्र का तुम अन्न खा रहे हो, तो ईश्वर भक्त होने के साथ साथ देशभक्त का भी होना बहुत ही जरूरी है। और जो इंसान राष्ट्रभक्त नहीं है वो कभी ईश्वर भक्त हो भी नहीं सकता। देखिए, ये वही देश भारत है जिस भारत में बड़े बड़े महान पुरुष अवतार लेकर के आए, महापुरुष अवतार लेकर के आए, लेकिन आज उस देश भारत की बड़ी दुर्दशाएं हो रही हैं। ईश्वर भक्त होने के साथ साथ राष्ट्रभक्त भी बनो प्यारे। कहा है कि जो भरा नहीं है भावों से, बहती जिसमें रसधार नहीं, वह हृदय नहीं पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। अरे देशभक्त जिसमें है एक वो दिलसाद है, अरे देशभक्त जिसमें है एक वो दिलसाद है, और देशभक्ति गर नहीं तो जिंदगी बर्बाद है। अभी अभी आप लोगों ने चैनलों के माध्यम से देखा होगा, टीवी चैनल पर देखा होगा, अपने देश भारत के उन नौजवानों को देखा होगा जो अपने अपने को देश के प्रति समर्पित करके संसार से चले गए। अभी जो घटना हुई है ताजी ताजी, धन्य है वो माँ जिन माओं ने उन महापुरुषों को जन्म दिया, जो आज पुलवामा में जाकर के इस देश की खातिर अपने को बलिहार कर गए। तो मैं उन देशभक्तों के लिए, उन अमर शहीदों के लिए ये दो शब्द श्रद्धांजलि रूप में समर्पित करता हूँ, और देश प्रेमियों को बार बार मैं नमन करता हूँ। ये हमारी आवाज उन देश के अमर शहीदों के लिए आ रही है। और माताओं, आज अपने देश भारत की वो दशा बन गई कि इस देश के लिए महापुरुषों की बड़ी आवश्यकता है। कहना है माओ, वो समय आ चुका है जिस समय की प्रतीक्षा में ये देश भारत था। और कहना है कि जिस दिन के लिए मेरे देश की माएं गोद में लाल खिलाएं, समय वो आ गया है, समय देशवासियों, वो समय बिल्कुल अब नजदीक है। आंखों को खोलो, देश के प्रति सर्वस्व न्योछावर करो। अरे ना जाने कितने महापुरुष इस देश की खातिर संसार छोड़ करके चले गए, ना जाने कितनी माताओं की गोद खाली करके देश की खातिर चले गए, ना जाने कितनी बहनों के श्रृंगार को उजाड़ करके चली गई। कहना है माताओं, धन्य है आप जो इस भारत वर्ष में आकर के ऐसे महापुरुषों को जन्म दे रही हैं। जिस दिन के लिए मेरी देश की माएं गोद में लाल खिलाएं, समय वो आ गया है, समय है।
उन नौजवानों से जो इस भारत वर्ष में रह करके अन्न दाना पानी यहाँ का प्राप्त कर रहे हैं। प्यारे देशवासियों, तुम भी खजाने अपने खोल दो। प्यारे देशवासियों, तुम भी खजाने अपने खोल दो। और एक देश की खातिर गेहूं धान सोना चांदी और मिट्टी के भाव अब तौल दो। क्यों? इसलिए कहा है कि तलवारों की छाया में जग की आजादी चलती है। तलवारों की छाया में जग की आजादी चलती है और इतिहास सुधरी चल देता जिस ओर जवानी चलती है, जिस ओर जवानी चलती है। प्यारे, हमारी जवानी ऐसी होनी चाहिए। कैसी? हमारी जवानी ऐसी होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि खून और पसीने में बड़ा अंतर है, खून और पसीने में बड़ा अंतर है। कहा है किसी ने कि खून और पसीने में बड़ा अंतर है, पत्थर और नगीने में बड़ा अंतर है। मुर्दा भेड़ों की तरह जीवन जीने वालों, श्वास लेने और जीने में भी बड़ा अंतर है। कहना है, अरे राष्ट्र नहीं होता विकासशील। प्यारे, राष्ट्र नहीं होता विकासशील धन के भरे खजानों से, और राष्ट्र नहीं होता विकासशील मोटर कार विमानों से, और राष्ट्र नहीं होता विकासशील विश्व सुंदरी किसानों से। अगर राष्ट्र विकासशील होता है तो भारत वर्ष के नौजवानों से। कहना है, प्यारे देशवासियों, तुम भी खजाने अपने खोल दो। गेहूं धान सोना चांदी देश की मिट्टी के भाव अब तौल दो। सारे मिलके एक हो जाएं, शक्ति आज दिखाएं, समय वो आ गया है, समय वो आ गया है। जिस देश के जिस दिन के लिए मेरे देश की माएं गोद में लाल खिलाएं, समय वो आ गया है, समय वो आ गया है। श्रद्धांजलि सुमन, श्रद्धांजलि गीत उन अमर शहीदों के लिए। कहना है देशवासियों, मेरे देश के सिपाहियों, बंदूक उठा लो अब तुम चूम के, अब वो अपने हथियार अपने काबू में करो और दिखा दो उन गौरों को। दुष्टों का सफाया कर दो, इनको दिखा दो रण में झूम के। जो भी इनके सामने आए पानी मांग न पाए, समय वो आ गया है, समय वो आ गया है। जिस दिन के लिए मेरे देश की माएं गोद में लाल खिलाएं, समय वो आ गया।
कवियों की ओर, उन शायरों की ओर जो देश के प्रति कोई शब्द लिखते हैं, उनसे मेरी आरजू है कि ऐसी जोश भरी हुई वीर रस से पूर्ण वो कविता लिखो जो देश के प्रत्येक नौजवान का हृदय भदक जाए। कहना है कवियों शायरों कलम से फेंको आज आग तुम, सैनिकों में साहस भर दो इनको बना दो काले नाग तुम, अरे बिने तुम्हारी सभी दिशाएं हाहाकार मचाएं, समय वो आ गया है, समय वो आ गया है जिस दिन के लिए मेरे देश की माएं गोद में लाल खिलाएं, समय वो आ गया है, समय वो आ गया है। कहना है उसे मैं ईश्वर भक्त नहीं समझता जो देश भक्त नहीं है, सच्चा भक्त वो है जो देश भक्त है, वही ईश्वर भक्त बन सकता है वरना कदाप नहीं। कहा भी है किसी ने कि मंदिर से निकलो, मस्जिद से निकलो, निकलो गिरजे गुरुद्वारों से और करो देश की आज हिफाजत अंदर के गद्दारों से। कहना है जिस दिन के लिए मेरे देश की माएं गोद में लाल खिलाएं, समय वो आ गया है, समय वो आ गया है। जिस दिन के लिए मेरे देश की माएं गोद में लाल खिलाएं, समय वो आ गया।